नगरपालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाते हुए स्वच्छ व सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने के लिए सफाई मित्रों के साथ नए कचरा वाहनों को क्षेत्र में रवाना किया। इन वाहनों को महापौर नीरज पाल, आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर सफाई के इस वृहद अभियान के तहत रवाना किया है। भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप कार्य करते हुए सड़क नालियों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन सुबह वार्डो में निरीक्षण कर रहे हैं तथा सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर निगम भिलाई मुख्यालय से विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया गया। इसके तहत सफाई मित्र पूरे निगम भिलाई क्षेत्र से कचरा एकत्रित करेंगे एवं आम जनमानस को गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रखने और देने के लिए जागरूक करेंगे। सोमवार को स्वच्छता के विशेष अभियान के तहत स्वच्छता वाहनों को एक रैली की तरह रवाना किया गया। इस स्वच्छता वाहन की रैली ने निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और आम जनमानस को यह संदेश दिया कि गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखें एवं अपने घर सहित आसपास में स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र से कचरा वाहन प्रतिदिन न आने की शिकायत मिलने की स्थिति में गली मोहल्लों में या निजी मकानों में QR कोड चस्पा करने की बात कही, जिससे यह पता चल पाएगा कि कचरा वाहन प्रतिदिन कचरा उठाने गली मोहल्लों में पहुंच रहा है या नहीं। वहीं महापौर नीरज पाल ने टाउनशिप क्षेत्र में भी इस अभियान को चलाने की बात कही, जिसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग से वार्तालाप सार्थक दिशा की ओर की जा रही है। तब तक इस शहर को हम लोग कचरा मुक्त, वेस्ट मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाना मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से नगर निगम क्षेत्र की जनता से भी अपील करूंगा कि इस काम में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, हम लोगों का साथ दें ताकि हम सब मिलकर ये शहर को साफ और सुंदर बना सकें। टाउनशिप भिलाई में भी इस तरह की व्यवस्था क्या देखने को मिले? हमारा अभी भिलाई नगर सेवा विभाग से भी बातचीत चल रही है और लगभग सहमति उनके द्वारा भी दी जा चुकी है। कुछ प्रक्रिया बची है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहाँ भी हम टाउनशिप के वार्डों में भी काम करेंगे। QR कोड का सिस्टम ऐसा रहता है कि जैसे एक पूरी गली है तो गली के बाहर या फिर घर घरों में दोनों में से जो भी सुटेबल सिस्टम रहेगा उसके बाहर वो QR कोड को चस्पा कर दिया जाता है। उसके बाद जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ड्राइवर और हेल्पर जाते हैं वहाँ पर, उनको तो मोबाइल से QR कोड स्कैन करना होता है। स्कैन करेंगे तो उस चंद को यहाँ पर पेट्रोल पता चल जाएगा कि एड्रेस वहाँ पर ले जाए। ये शिकायत आती थी आम जनता से कि गाड़ी आती ही नहीं है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाली, तो वो हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे मॉनिटर ऑनलाइन पूरा कर पाएंगे कि गाड़ी वहाँ तक जा रही है या नहीं। निगम भिलाई द्वारा चलाए जा रहे इस वृहद सफाई अभियान में कुछ तो नया देखने को मिल रहा है। इन गतिविधियों से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब स्वच्छ और सुंदर भिलाई की परिकल्पना साकार हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।